विशद गीत कीर्ति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं तनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वृंदावन वानिक बनो भवर करे गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका दुलानंद कुमार। राधा मेरी स्वामिनी पिता मेरु घनश्याम इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। जाकी सेवा भावते मुग्ध भये श्री राम ऐसे भक्त हनुमान को सत बारंबार प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्तवंश कल्पतरु तनिंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांग मई प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण अखंड ब्रह्मांड नायक समस्त जगत नियंता
सभी जीवों पर कृपा करने वाले मेरे बाल कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन। जगदाम्बा पराम्बा जगत जननी माता रानी सती के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित समस्त विद्वज्जन संगीताचार्यजन इनके हृदय में विराजमान राधा गोविंद के चरणों में कोटि कोटि नमन। कथा श्रवण करने आए हेतु समस्त भक्तगण सती स्वरूपा माताएं बहनें इनके हृदय में विराज मेरे में बांके बिहारी के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजक समस्त भक्तों को इस व्यास मंच से बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा का आज द्वितीय दिवस। आज की कथा को श्रवण करने से पूर्व जिस प्रकार कल हमने कथा श्रवण करने से पूर्व हमने भगवान का कीर्तन किया था, उसी प्रकार आज भी कथा श्रवण करने से पहले हम अपने मन और वाणी को पवित्र करें। सुंदर मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए आप भी हमारे साथ में सुंदर सुंदर भगवान का नाम स्मरण करते हुए मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए सुंदर प्यारा सा कीर्तन गाएंगे, फिर इसके बाद हम आज की कथा को श्रवण करेंगे। जिस भी माताएं बहनों को यह कीर्तन गाना हो ये पत्रिका हमारे आचार्य जी आप तक पहुंचा देंगे। इसमें वह सुंदर कीर्तन है जो हम नित्य रोज गाएंगे, उसको आप भी धीरे धीरे हमारे साथ में उसको पढ़ करके गुनगुना सकते हैं। तो सभी लोग भाव से प्रेम से ताली सेवा करते हुए आइए भगवान का कीर्तन करें। श्वास में हो सुमिरन तेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन। हर श्वास में हो सभी लोग गाएं तेरा।
मन में निहारो, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लूं मैं आरती उतारो, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारो, डाले रहूं श्वास में हो सुमिरन तेरा, तू बीत जाए जीवन मेरा, श्वास में हो सुमिरन तेरा, तू बीत जाए जीवन। खाटू नरेश तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी कीर्तन में बैठे हैं। बाबा तभी आएंगे, कृपा तभी करेंगे जब मीठी मीठी तालियों की सेवा हो। हाथ उठाकर के सभी लोग ताली सेवा करते हुए हरि बोल। सत्कार हो बार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार बार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो बार हो तुम्हारा,
श्वास में हो सुमिरन हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा तेरी पूजा करते बीते सांझ सत्यवाद की नहीं हमारा जीवन दुनिया की बातों पर बीतता है दुनिया के कामों पर बीतता है लेकिन यहां ऐसा नहीं है यहां क्या कह रहे हैं हमारा जीवन तो ठाकुर के नाम पर बीते हमारा जीवन तो कृष्ण के नाम पर बीते ऐसा जीवन है और ऐसा ही जीवन मंगलमय है भगवान भी सोचते होंगे यह सुंदर सी मानव काया दे दी और जाकर के इस संसार में यह मेरा पुत्र यह मेरा भक्त मुझे भूल गया मैंने किस लिए भेजा था कि जाए और जाकर के मेरा भजन करे और उस संसार के आवागमन के चक्कर से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाए परंतु यह तो सांसारिक कार्यों में उलझ करके अपने जीवन को गंवा रहा है कथा हमें क्या शिक्षा दे रही है यही शिक्षा देती है कि अपने जीवन को मंगलमय करो जब हमारा जीवन सुधर जाएगा तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा राजा परीक्षित को देखिए धर्म का पालन करते हुए अपने शरीर को अपने प्राणों को नवछावर कर दिया अंत में जब समझ गए कि मेरी मुक्ति का उपाय है तो क्या भागवत कथा तो जाकर के सुखदेव जी की शरण में बैठ करके 7 दिन तक भागवत सुन करके नित्य भगवान के वैकुंठ को प्राप्त कर लिया हमारा कार्य क्या रहता है आपकी और अपनी बातें बता रहे हैं सुबह सुबह जग गए नाश्ता टिफिन न जाने क्या क्या सब बना करके रख दिया दोपहर का समय आया स्नान हुए भोजन किया आराम कर लें थोड़ा टाइम मिला तो शाम के समय में टीवी मूवी पिक्चर देख ली इसके बाद फिर खाने पकाने में लग गए फिर सो गए ये जीवन है जरूरी नहीं है कि आप भजन में जाएं वन में जाएं जाकर के भजन करें अरे जरूरी यह है
कि आप घर को ही वन बनाएं। कोई नहीं कहता है कि आप 24 घंटे लेकर के माला ही सड़काते रहो। किसी से पूछ लिया जाए तो अरे महाराज जी तो ऐसे उपदेश करते हैं, ऐसे लगते हैं कि उनका कोई घर ही नहीं। जीवन कैसा सार्थक है, आप अपने ग्रह कार्यों को भी कर सकते हैं और अपनी मुक्ति का उपाय भी कर सकते हैं। कैसे? भोजन बनाते हैं, आपका भाव ये नहीं आना चाहिए कि मैं अपने पति और अपने ससुर के लिए बना रही हूँ, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं। भाव ये आना चाहिए कि मैं अपने गोविंद को अपने ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ। हाथों की सेवा अपने आप हो जाएगी। रोटी बनाते समय ठाकुर जी का नाम लीजिए, मैं आपके लिए सुंदर सुंदर पकवान बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, आपको भोग लगाऊंगी। हाथों की सेवा हो गई कि नहीं, आपका घर का काम भी हो गया और एक सेवा भी हो गई। भोग बन जाए, ठाकुर जी को भोग लगाइए और उसी प्रसाद को सबको पवाइए। बुद्धि विवेक विचार आपका सब प्रसन्न सब निर्मल रहेगा। लोगों में तो ये हो गया कि आन का दाना और तान करके खाना, जीना चाहे मर जाना, खूब चकाचक खाओ और जिंदगी दोबारा बार बार थोड़ी ना मिलेगी। दिन रात जब देखो तब इसमें शरीर में लगे हुए हैं, इसको सफाई कर रहे हैं। किसी ने कहा है, मैंने कल भी बताया था, मत रीझो ऊपर की सफाई पर क्योंकि सोने का वर्क लगा हुआ इस मिट्टी की मिठाई पर। तो जीवन अनमोल है, मानव तन अनमोल है, इसको व्यर्थ गंवाइए मत, नहीं तो फिर 84 लाख बार जब घूमना पड़ेगा तब कहीं जाकर के यह मानव तन मिलता है। हमें किसी चीज को प्राप्त करना हो, अभी कह दिया जाए जाओ सुंदर से ठाकुर जी के लिए माला लेकर के आओ, बोले महाराज कहाँ मिलेगी, हम कहेंगे जाओ नागपुर में मिलेगी। आप गए, अब सुंदर सी माला पूरे नागपुर में आपने ढूंढी, नहीं मिली। घूमते घूमते कोई दुकान नहीं मिली, वो माला नहीं मिली। अंततः जाकर के रात में कहीं 11-12 बजे वो माला मिली, तो उस माला को इतना संभाल करके लाएंगे फिर यही कहेंगे महाराज जी इसको संभाल करके रखना बहुत मुश्किल से मिली। यही स्थिति इस जीवन की है, इस शरीर की है। घूमते 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 84 लाख योनियों में यह मुश्किल से यह तन मिला है। अगर इसको भी आप गंवा देंगे तो फिर दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं है। अभी भी मौका है, संभल जाइए। लोग कहते हैं कि भजन की उम्र होती है, हम कहते हैं भजन की कोई उम्र नहीं होती है। आजकल की जो हम लोगों जैसी युवा पीढ़ी है उनको कहिए भैया भजन कर लो, अरे अभी क्या भजन करना, बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे, अभी तो जिंदगी मिली है ऐसे जीना है। इस जीवन का कोई ऐस नहीं है, जीवन का मौज तो तभी है, हमारी मौज तभी है जब भगवान का भजन कर लें और अपने पास राम रूपी पूंजी इकट्ठा कर लें, तब आपकी मौज है। अरे जीवन में असली मौज तो संतों की है ना, उन्हें घर से मतलब, ना परिवार से मतलब, ना अपने तन से मतलब, ना अपने भोजन से मतलब, रूखा सूखा जो मिल जाता है खाया पिया और ठाकुर जी का भजन किया। संतों से भक्तजनों से अरे कुछ तो सीखिए, अपना मान करके बैठे हैं, यह मेरी गाड़ी, यह मेरा बंगला, यह मेरी जमीन, ये मेरी जायदाद, ये मेरा परिवार, ये मेरा मकान, ये मेरा संसार, मेरा मेरा करते करते न जाने कितने मर गए, आज तक किसी का मेरा नहीं हुआ है, सब तेरा ही है। ये मैं
जब जीवन में मैं निकल जाएगा तभी ठाकुर जी अपने आप इस मन में बैठ जाएंगे। हमारे जीवन में, मैं अपनी बात कर रहा हूं और आपकी भी बात कर रहा हूं, कहते हैं कि दूसरों को उपदेश करने से पहले खुद को संभल जाना चाहिए। एक संत थे, उनके पास एक स्त्री आई अपने पुत्र को लेकर के। बोले, महाराज मेरा जो लड़का है बहुत हठी है और ये गुड़ बहुत खाता है। क्या? गुड़ बहुत खाता है, इसकी बहुत बुरी आदत है, जब देखो तब गुड़ खाता है। संत भगवान ने कहा कि देवी बेटी, आपका जो ये पुत्र है, आपका ये लड़का है, गुड़ खाता है आपने बताया। बोले हाँ, ऐसा कोई उपाय बताइए कि ये गुड़ खाना छोड़ दे, और खाए भी तो थोड़ा थोड़ा खाए। बोले अभी नहीं, तुम 5 दिन बाद आना। बोले ठीक है। अपने लड़के को लेकर के वो अपने घर चली गई। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, 4 दिन, 5वें दिन फिर वो संत के पास पहुंची। बोली, महाराज मैंने आपको बताया था ना कि ये मेरा लड़का गुड़ खाता है। बोले हाँ। बोले क्या हुआ, कुछ उपाय तो बताइए। बोले अभी नहीं, अब तुम 15 दिन बाद आना। फिर चली गई। धीरे धीरे 1-2 दिन, 15 दिन बीते, फिर अपने लड़के को लेकर के आई। बोले महाराज अब तो बता दीजिए, 15 दिन के लिए अपने कहा था, मेरा लड़का दिन प्रतिदिन गुड़ ज़्यादा खाता है, ये गुड़ खाना कैसे छोड़ेगा मुझे बताइए, कुछ उपाय बताइए। संत महाराज ने कहा कि आओ, बैठ गए, उसको भी बिठाया। बोले देखो, बेटा तुम गुड़ बहुत खाते हो, अगर तुम्हें खाना भी है तो थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओगे तो आपको और अच्छा लगेगा। बोले ठीक है महाराज। लेकिन जो वो स्त्री थी उसके दिमाग में वो बात जची नहीं। उसने महाराज कहा, महाराज इतनी छोटी सी बात, आप तो 5 दिन 15 दिन आपने टाल दिए, पहले भी तो बता सकते थे, इतनी छोटी सी बात। तो संत ने मुस्कुरा करके कहा, बेटी 15 दिन पहले तक मैं भी बहुत गुड़ खाता था, जैसे तुमने मुझे कहा वैसे धीरे धीरे मैंने भी गुड़ खाना कम कर दिया। कहने का अभिप्राय ये कि पहले अपने जीवन को देखो, पहले अपने मन को सुधारो, फिर दूसरों को उपदेश दो। संत का कहने का ये भाव है। दूसरों को तो हम बहुत सुंदर सुंदर और लंबे लंबे उपदेश देते हैं, खुद के जीवन में कुछ नहीं, तो कैसा उपदेश? उपदेश ऐसा हो कि जिसको करके, जिस उपाय को करके व्यक्ति का जीवन बदल जाए। लेकिन पहले, उससे पहले आप अपना जीवन भी बदलिए। हम तो दूसरों को कहते हैं आप इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा करो वैसा करो, खुद करेंगे नहीं तो लोग क्या करेंगे। तो कहने का अभिप्राय, हम नहीं कहते कि आप वन में जाकर के घर को त्याग करके वृंदावन जाएं, काशी जाएं, मथुरा जाएं, अयोध्या जाएं, फिर जाकर के भजन करें। घर को ही वन बनाइए और मन को ही वन बनाइए, बैठ करके गोविंद के नाम की 5 मिनट में 1 माला कर दीजिए। यही सार है और यही आपका भजन है। सुंदर सुंदर हर जगह कथाएं होती रहती हैं, अब यही कथा हो रही है। कीर्तन होंगे, भजन होंगे, सुनिए और भगवान के चरणों में मन को लगाइए, तब जीवन सुधरेगा। क्योंकि इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब चला जाए। ये श्वास भी है ना, अभी हम ले रहे हैं, पता चले लेते 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 एक क्षण में ही चली जाए। हम कहते हैं कि हमारी आंखें बहुत दूर तक देखती हैं, अरे एक क्षण में भी दिखना बंद हो जाता है तो आंखें किस काम की। हम बहुत सुंदर बोलते हैं, अभिमान होता है, बहुत सुंदर गाते हैं,
किस क्षण में आपका बोलना बंद हो जाए, आप गूंगे रह जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। ये कान हैं बहुत सुंदर सुनते हैं, लेकिन इन कानों का सुनना कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो जीवन जो मिला है इसको संभालिए और धर्म के मार्ग पर चल करके, संतों की सेवा करके, भक्तों की सेवा करके और भगवान के मंदिर पर जा जा करके प्रार्थना करके अपने जीवन को कृतार्थ करिए, तभी आपका जीवन मंगलमय होगा। क्योंकि किसी भक्त ने बहुत सुंदर भाव दिया है, आप भी गुनगुनाएं। कल हम आपको पुस्तक दे देंगे भजनों की, आपको सरलता होगी। ठीक है, अभी सभी लोग ताली सेवा करते हुए प्रेम से इस भाव को श्रवण करें और गाएं और जीवन में उतारें। क्या रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़े। जय हो। चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, चमड़े के कमरे तू क्या संभाले, चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। क्या ये घर आपका है? उसका है। वो कब आपका किराया वसूल ले, कब निकाल दे, कोई भरोसा नहीं। तो क्या कह रहे हैं, चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का और निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे नोटिस जमानत न होगी, आएगा नोटिस जमानत न होगी। यहाँ तो जमानत हो जाती है ये देकर के, लेकिन वहाँ जमानत नहीं होती, अगर आए तो लेकर के ही जाएंगे। क्या कहा, आएगा नोटिस जमानत न होगी, आएगा नोटिस जमानत न होगी। पल्ले में गर कुछ अमानत न होगी, पल्ले में गर कुछ अमानत न होगी, पल्ले में गर कुछ अमानत न होगी।
चलना पड़ेगा, फिर होगी कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया टूटी खाली करना पड़ेगा, बेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया टूटी खाली करना पड़ेगा, बेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया टूटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया टूटी खाली करना पड़ेगा। किसी ने कहा है हर शरीर पाकर बस तुम्हें रिझाना चाहते हैं, हर शरीर पाकर बस तुम्हें रिझाना चाहते हैं, तेरी याद में ही हर पल हम बिताना चाहते हैं, शौक नहीं हमें औरों से नजरें मिलाने का प्यारे, बस तेरे नैनों से ही नैन हम मिलाना चाहते हैं। हरी बोल। बीच दुख सहना पड़ेगा, घोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा, काया टूटी खाली करना पड़ेगा, काया टूटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया टूटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना नंद फिरेगा तू रोता, कहेगी नंद फिरेगा तू रोता, लख चौरासी में खाएगा गोता, 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 फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा, काया टूटी खाली करना पड़ेगा, काया टूटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा।
रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। बहुत से लोग समझते हैं कि इसको हमें खाली करना ही नहीं। अरे ये कमरा किराए का मिला है, मकान मालिक का जब मन होगा तब निकाल करके भगा देगा, अगर किराया नहीं देंगे तो। किराया क्या है? राम रूपी धन, कृष्ण रूपी धन, यही किराया है। हम पूछेंगे तो नहीं, लेकिन यहीं से कह देते हैं आपको। वो तो आप सब लोग जानते हैं कि हम कितना भजन करते हैं, कितना ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन आपसे फिर भी इस व्यास मंच से हम यही कहेंगे कि जीवन को व्यर्थ मत गंवाइए, ठाकुर जी का भजन करिए। हम यहाँ से कह देंगे कि हाथ उठाओ कौन कौन भजन करता है, तो जो करता भी नहींगा वही वो भी उठा लेगा। अच्छा बताइए कौन कौन भजन करता है ठाकुर जी का, हाथ उठाइए। वाह जय हो। लेकिन फिर भी यहाँ से इस व्यासपीठ से आप दोहरा रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि आप जीवन को मत गंवाइए, ठाकुर जी का भजन करिए। अभिमान इतना भरा हुआ है कूट कूट करके, ये जो मिलता भी है तो उसकी कृपा से मिलता है, अगर वो देता है तो छीन भी लेता है। देता उसी को है जो परमार्थ करता है, जो पा करके भी परमार्थ नहीं करता, जो पा करके भी सेवा नहीं करता, जो साधु का ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता, वो राजा भी भिखारी बन जाता है। ठाकुर जी का यही काम है, जो अच्छा मिलेगा उसको अच्छा बना देगा, अच्छा बना दिया, अच्छा बनने के बाद अगर वो बुरा करेगा तो उसको राजा से भी भिखारी बना देगा। आपको धन मिलता है, आपको संपत्ति मिलती है, धन अर्जित करते हैं तो उससे आप सेवा करिए, परमार्थ करिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप लुटाइए, लेकिन वहां लगाइए जहां पर किसी को आवश्यकता हो। जो पा करके भी मन से दिल से आशीर्वाद दे, वो सेवा आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। पारिवारिक जनों में, घर में, मकान में इतना लगाते हैं, अरे उसके साथ साथ लगा करके कुछ ब्राह्मणों का सम्मान करिए। जाकर के जगह जगह गौशालाएं गौ के नाम पर दान दीजिए, ताकि उस दान से गाय की सेवा हो सके। देखिए जगह जगह गाय कैसे गौ माता घूमती, हम लोगों के लिए कहीं, हम लोगों को कहीं ऐसे छोड़ दिया जाए तो कितना कष्ट पाती है। दान हमारा वही सार्थक है जो परमार्थ में लगे। दान वही दीजिए जिसको आवश्यकता है। अपना मान करके बैठे हैं तो सुन लीजिए कौन कहां तक जाता है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। अब इसके बाद अकेले ही जाना है, इसलिए कहा है रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ में जाएगा, साथ में कोई जाने वाला नहीं, अकेले आए हैं तो अकेले ही जाना है। जीवन में कभी भी आप हिम्मत ना हारें, प्रभु पथ पर चलते रहें, आपका जीवन मंगलमय होगा। कभी भी जीवन को हताश ना करें, ठाकुर जी के भरोसे और ठाकुर जी के नाम पर इस जीवन को चलाते रहें। जब इस जीवन की बागडोर आप ठाकुर के चरणों में सौंप देंगे तो फिर ठाकुर अपने आप चलाएगा।
कल के पावन प्रसंग में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार प्रेत बने धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके भगवान के शाश्वत वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। ज्ञान और वैराग्य ने किस प्रकार माता भक्ति के साथ बैठ करके जब भागवत कथा श्रवण की, बुढ़ापा दूर हो गया और भगवान की प्राप्ति हो गई। कल के पावन प्रसंग में आपने महात्मा की कथा श्रवण की थी। आज के पावन प्रसंग में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत का आज प्रथम स्कंध के प्रथम श्लोक में जो मंगलाचरण है हम और आप लोग सभी गाएं। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया है वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत में। कहा जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, जिसके स्वरूप को जान करके ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप कैसा है, तेजोमय स्वराट, सहस्त्र शीर्घा बुरघा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, हजारों नेत्र, हजारों सिर, हजारों भुजाएं, ऐसे वे स्वराट स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा की वंदना करते हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से, हे भवानी, जीवन का एक सत्य मैं तुम्हें बता देता हूं। क्या? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन और जगत सब सपना। सो माया संसार है, यह संसार जगत सपना है। कैसे? जीव मरकट की भांति इस संसार में बंधा हुआ है, जैसे बंदर
इस डाली से उस डाली कूदता है, उसी प्रकार यह जीव भी भगवान की शरण में नहीं आना चाहता है। जानता है कि मेरी मुक्ति वहीं होनी है, परंतु जानते हुए भी वे संसार में बंदरों की तरह नाच रहा है। यह किस लिए? क्योंकि यह जीव जो है भगवान का अंशभूत है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। ईश्वर का भजन कैसा होना चाहिए, तो कैसा इसमें बताया गया है। सुमिरन ऐसा कीजिए, खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हिले न जिह्वा होठ। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। माला ले लीजिए और भगवान का भजन करिए, होठ ना हिले, आवाज ना करिए, मन ही मन भगवान का कीर्तन करिए, भगवान का नाम लीजिए, ऐसा चिंतन होना चाहिए। वेदव्यास जी ने दूसरे मंगलाचरण में बहुत सुंदर भाव दिया। धर्म प्रोक्षित गई तबोत्र परम निर्मत सराड़ां सतां वेत्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृत अवरुद्धते स्तुकृतभिः शुश्रूषुभितक्षणा। धर्म, धर्म के बारे में बताया। धर्म क्या है? भगवान की कथा सुनना ही धर्म है, भगवान के मार्ग पर चलना ही धर्म है, साधु संतों की सेवा करना ही धर्म है, गौ सेवा करना ही धर्म है, ब्राह्मणों की सेवा करना ही धर्म है, परमार्थ करना ही धर्म है, और सबसे बड़ा धर्म सत्य बोलना ही धर्म है। जो यह सब कार्य करता है तो भगवान उसके तीनों प्रकार के तापों को समाप्त कर देते हैं। और जो मन ही मन स्मरण कर लेता है कि मैं भगवान की कथा सुनूंगा, उसी समय भगवान उसी समय उस भक्त के हृदय में विराजमान होते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय अवरुद्ध तेज तुकृत भी सुश्रुभित तक्षणार्थ। जैसे आप लोग बैठे हैं, आपने विचार किया कि वहां कथा हो रही है, हमें कथा सुनने के लिए चलना चाहिए। आपके मन में मात्र इतना भाव आता है, उसी समय हरि अवरुद्ध हो जाते हैं हृदय में। अवरुद्ध किसे कहते हैं? बंद हो जाना, अवरुद्ध हो जाना बहुत अलग है। बैठ जाना और आप यहां बैठे हैं, अवरुद्ध होने का अंतर, अवरुद्ध होना क्या है यह बता रहे हैं। जैसे आप लोग कथा सुनने के लिए आए तो अभी आप स्वच्छंद हैं, जब मन चाहेगा उठ करके चले जाएंगे, जब मन चाहेगा उठ करके बैठ जाएंगे, जब मन चाहेगा तो पानी पीने के लिए चले जाएंगे, और जब मन चाहेगा कि भैया बहुत कथा सुन ली अब घर जाना चाहिए तो घर भी चले जाएंगे। ये स्वच्छंद हैं आप अभी। अवरुद्ध किसे कहते हैं? आकर के बैठ जाएं और चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, मेन गेट में ताला लगा दिया जाए, 3 घंटे बाद ही ये गेट खुलेगा, आप कथा सुनो बैठ के। चाहते हुए भी नहीं जा पाएंगे आप लोग, क्योंकि आपकी चाबी किसी और के हाथ में, बैठना पड़ेगा। रो करके बैठिए, चाहे गा करके बैठिए, इसे कहते हैं अवरुद्ध। मतलब आ करके फिर जा ना पाए, उसे अवरुद्ध कहते हैं। भगवान इसी प्रकार जब आपके मन में संकल्प उठता है कि हम भगवान की कथा सुनने के लिए जाएं, उसी समय भगवान हृदय पटल पर आपके अवरुद्ध हो जाते हैं, भगवान यहाँ बैठ जाते हैं, फिर भगवान कभी कहीं नहीं जाते हैं। तो बहुत सुंदर यह मंगलाचरण किया वेद व्यास जी ने। दूसरे श्लोक में बताया, मंगलाचरण कर रहे हैं, इधर सूत जी से सौनकाद ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, हे महाराज, जो आप कथा सुना रहे हैं, जो भागवत सुना रहे हैं, इसका प्राकट्य कैसे हुआ, ये कैसे है ये बताएं।
तब सूत जी ने सौनकाद ऋषियों को बताया कि ये शाखा प्रतिशाखा डाली पर डाली आई है। बोले कैसे? बोले चतुश्लोकी भागवत नारायण ने ब्रह्मा जी को कान में सुनाई, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई, नारद जी ने यही भागवत वेद व्यास जी को सुनाई, वेद व्यास जी ने यही भागवत अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी ने यही भागवत परीक्षित जी को सुनाई, और परीक्षित जी के माध्यम से हम सब में यह कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त हुई। शाखा प्रतिशाखा डाली पर डाली यह कथा परंपरा हमारे सन्मुख आई है। समझ गया? नारायण की शाखा से टपका, ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका, ब्रह्मा जी के शाखा से टपका, नारद जी के शाखा पर लटका, नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पर अटका, व्यास जी की शाखा से टपका सुखदेव जी की शाखा पर लटका, और सुखदेव जी की शाखा से टपका तो परीक्षित जी के माध्यम से हम सब इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार शाखा प्रतिशाखा यह कथा आई। बोली महाराज कथा कैसी है यह भी तो बताएं। तो बताया, निगम कल्प तरुर्वगलितं फलम सुखमुखादयमृतत्रव संयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले निगम है वेद, निगम है वेद। वेद कौन है? वेद है पेड़ वृक्ष। उदाहरण बता रहे हैं हम आपको, जो वेद है वो है वृक्ष, और वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। तो आप बताइए कि खाएंगे तो स्वाद किस में मिलेगा? वृक्ष में, वृक्ष की डाली पत्तों में कि फल में? फल में मिलेगा ना। तो जो वेद है वो है वृक्ष, और जो उस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है वो है श्रीमद् भागवत। तो कहते हैं वेदों को आप सुनेंगे तो आपको फल तो मिलेगा, लेकिन धीरे 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 समय पा करके मिलेगा, लेकिन यह वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, इसको सुनने से तत्काल मोक्ष मिल जाता है। बोले महाराज थोड़ी सरल तरीके से बताएं कैसे। और फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, तो क्या खाना है क्या फेंकना है ये भी बता दीजिए। तो बोले नहीं नहीं, इस श्रीमद् भागवत में ना तो गुठली है ना तो छिलका है, कुछ फेंकने लायक नहीं है। बोले तो? बोले इसमें रस ही रस है। तो बोले क्या करें? तो बोले पिबतम भागवतम रसमालयम। बोले पियो। बोले कब तक? मोक्ष आल पर्यंतम, जब तक मोक्ष ना हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि भैया हमने तो कथा सुन रखी वही कथा है, ऐसे मोक्ष नहीं मिलता है। क्या बता रहे? मोक्ष आल पर्यंतम, जब तक आपका मोक्ष ना हो जाए तब तक कथा सुनो। इस प्रकार भागवत की परंपरा बताई। सूत जी ने पुनः सौनकाद ऋषियों को कथा श्रवण कराते हुए जब यह कथा श्रवण कराई, भागवत के प्राकट्य के बारे में बताया, तब सौनकाद ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया। बोले महाराज हमारे कुछ प्रश्न हैं। बोले बताइए। बोले एक प्रश्न नहीं, हमारे पास छह छह प्रश्न हैं। बोले श्रवण कराए आपके क्या प्रश्न हैं? तो बताया, किम श्रेयः शास्त्र सारा कहा स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या कथा सुनना परम धर्म है? भगवान की सेवा करना परम धर्म है? परम धर्म क्या है मानव के लिए? यह प्रश्न ऋषियों के नहीं, यह प्रश्न हम सब के भी हैं। और इन्हीं सह प्रश्नों से, इन्हीं छह प्रश्नों से श्रीमद् भागवत कथा का वेदव्यास जी ने सुंदर रचना की है। दूसरे प्रश्न में बताया
सभी शास्त्रों का सार क्या है? भागवत कथा का शास्त्र ये सार है, श्रीमद् भागवत देवी भागवत शास्त्र का सार है, वेद वेदांत सार है, सार क्या है? दूसरा प्रश्न ये बताया। तीसरा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 12 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है 26 अवतार, तो भगवान के कुल अवतार कितने हैं ये हमें बताएं। चौथा प्रश्न, भगवान के अवतारों में मुख्य अवतार कौन से हैं ये भी बताएं। पांचवा हमारा प्रश्न है कि प्रभु शास्त्र वेद बहुत बड़े हैं, इनको सुनने में तो बहुत जीवन समाप्त हो जाएगा, जो भी बताएं तो सार बताएं, सार गर्भित बताएं, कम समय में हम इसको समझ लें। और हमारा छठवां प्रश्न ये है कि जब भगवान इस धराम धाम को छोड़ करके गए थे तो कहाँ गए थे, और ये धर्म किसकी शरण में गया था? ये हमारे 6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे ही सूत जी ने इन प्रश्नों को सुना गदगद हो गए, बोले मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परंतु मैं अपने पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी का स्मरण कर लूं। सोनकाद ऋषियों ने तुरंत प्रश्न कर दिया, बोले महाराज ये सुखदेव जी कौन है ये भी बताएं। बोले श्रवण करो, यम प्रभुरजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिने दुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। भागवत कथा के अंतर्गत एक कथा आती है कि श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, सुखदेव जी ने किस प्रकार इस कथा परंपरा को चलाई, ये हमें श्रवण करा, और सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। तब बताया कि एक बार भोले बाबा और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। भोले बाबा तपस्या करने के लिए अपना समाधि लगा करके बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। इधर नारद जी यत्र तत्र घूमते हुए मन में विचार करते हुए कि झगड़ा तो सब में कराया, पर आज तक मैंने भोले बाबा और माता पार्वती में कभी झगड़ा नहीं कराया, चलना चाहिए। नारद जी जहां जाते हैं वहीं कुछ ना कुछ कारण होता है। पहुंच गए, माता पार्वती बुहारी लगा रही थी, झाड़ू लगा रही थी, नारायण नारायण करके पहुंच गए। आइए आइए नारद जी, किस लिए आना हुआ आपका? बोले बस संसार के कार्यों को देखता रहा और माता देखता हूं तो मेरा मन दुखी हो जाता है। बोले क्यों? बोले इतना झूठ इस संसार में चल गया है कि पति पत्नी भी झूठ बोलते हैं। माता पार्वती ने तुरंत कहा, बोले लोग बोलते होंगे पर हमारे और हमारे पतिदेव की बहुत बनती है, एक दूसरे से आज तक हमने कभी झूठ बोला ही नहीं। बोले अच्छा, बोले बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, आज तक कभी ऐसी बात नहीं छुपाई। नारद जी को मौका मिल गया, नारद जी ने विचार किया कि पूछ ही लेता हूँ कितना प्रेम करते हैं। तो अच्छा बताओ माता, भगवान भोले बाबा के जो गले में मुंडों की माला पड़ी रहती है वो किसकी है, आपको कभी बताया? ओहो नारद जी ये बात तो कभी नहीं बताई। बोले तो क्या खाक प्रेम करते हैं आप? तो कहते इतना प्रेम करते हैं। और दूसरी बात, आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है लेकिन भोले बाबा कभी जन्म नहीं लेते हैं, इसका कारण भोले बाबा ने आपको बताया है? ओहो यहां तो झूठ ही झूठ है। बस हो गया माता जी, मेरा काम हुआ, मैं जा रहा हूं। वीणा बजाते हुए नारद जी निकल गए और भोले बाबा तुरंत आंख खोल करके देख रहे हो नारद जी आए हैं, कुछ ना कुछ करामात करके गए होंगे। नारद जी से कहा भी, भोले बाबा ने रुको 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 कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा वहीं मिलना, हम तो जा रहे हैं। भोले बाबा समाधि खुल गई, समाधि जैसे खुली भोले बाबा पहुंच गए माता पार्वती के पास में। और माताओं का स्वभाव
तुरंत बढ़िया काली काली साड़ी पहन ली, खूब भवन में विराजमान हो गई, बाल भी घेर लिए। क्या है देवी जी, रूठी हुई क्यों हो? बात मत करना मुझसे। क्यों? अरे तुम तो झूठे हो। अरे आप तो ऐसे वादे करते थे कि आपके लिए तो सितारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन यहाँ खाक प्रेम करते हैं। अरे आप तो मुझसे बहुत झूठ बोलते हैं। बोले क्या झूठ मैंने कहा ये तो बताएं। बोले आपने जो गले के मुंड, अपने गले में जो मुंडों की माला धारण कर रखी, वो किसके मुंड हैं आपने बताई? बोले हाँ देवी, ये बात तो नहीं बताई। तो बोले तो आप हुए झूठे कि नहीं? बोले हाँ, हम अपनी गलती मानते हैं। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है, मुझे बार बार मरना पड़ता है, आप कभी जन्म नहीं लेते, क्या कारण है? बोले हाँ देवी, ये भी सत्य बात है। तो बोले आपको मरना क्यों नहीं पड़ता है, आप जन्म क्यों नहीं लेते हैं? मुझे क्यों मरना पड़ता है, आपको जन्म क्यों नहीं लेना पड़ता है? तो बताया मैंने अमर कथा श्रवण कर रखी। बोले तो मुझे भी सुनना है अमर कथा। बोले ठीक है, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। बोले क्या नियम है? बोले नियम यही है कि जब मैं कथा सुनाता हूं तो नेत्र बंद करके सुनाता हूं, एकांत में कथा सुनाता हूं। और दूसरी बात, मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम मुझसे कथा सुन रही हो? तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हुंकारी भर दूंगी, आपको पता चलता रहेगा। बोले हाँ है ठीक। बोले तो जाओ पहले कैलाश पर्वत पर, देखो कुछ कोई जीव जंतु पशु पक्षी कोई है तो नहीं, नंदी भृंगी श्रृंगी सबको भगाओ। भगवान भोले बाबा ने डमरू बजाया, सब चले गए। इधर राधा रानी की गोद पर एक सुखदेव जी थे, क्रीड़ा किया करते थे। राधा रानी ने सुखदेव जी को कहा कि जाओ और जाकर के भगवान की कथा का प्रचार प्रसार करो। तो सुखदेव जी ने कहा मैंने नहीं जाना माता, अगर मैं उस संसार में गया तो विष्णु की माया मुझे जकड़ लेगी, मैं नहीं जाऊंगा। किशोरी जी ने कहा सुखदेव जाओ, मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें श्रीहरि की माया नहीं पकड़ेगी, नहीं सताएगी, और जाकर के भगवान श्रीहरि की कथा का प्रचार प्रसार करो। राधा रानी के आदेश पाकर के सुखदेव जी कैलाश पर्वत पर आए। एक पक्षिणी सुखी बैठी हुई थी, उसके गर्भ से अंडे अंडे के रूप में सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। इधर भगवान भोले बाबा भूत भावन काशी विश्वनाथ भोले बाबा कथा श्रवण कर आ रहे माता पार्वती को, नेत्र बंद कर ली। प्रथम दिन की कथा हुई, हुंकारी चलती रही, माता पार्वती हूं करके हुंकारी भर के कथा सुनती रही। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, और जब छठवें दिन की कथा में पहुंचे तो जब योग की बातें आने लगी तब माता पार्वती की निद्रा लग गई, सो गई। उधर जो अंडा पड़ा हुआ था, धीरे धीरे कथा सुनकर के अंडा फूट गया। सुखदेव जी धीरे धीरे बढ़ने लगे। सुखदेव तोते को पता चल गया कि माता पार्वती सो गई हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भगवान भोले बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे, ऐसा क्या करूं? मन में विचार किया कि अब हुंकारी मैं भरूंगा। छठवें दिन की जो कथा चल रही थी, सुखदेव जी ने हुंकारी भरना शुरू कर दिया, हूं करके कथा श्रवण करने लगे। सातवें दिन जब कथा विश्राम की वेला में आई, भगवान शिव ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की जय। माता पार्वती की नींद टूटी। अरे अरे महाराज, उद्धव जी का फिर क्या हुआ? फिर योग की बातें चल। ओहो देवी जी, क्या कहाँ चल रही थी आप? बोले महाराज मैं तो सो गई थी। तो बोले सो गई थी तो हुंकारी कौन भर रहा था, मुझे तो पता नहीं, कथा सुनाइए ना। बोले हो गया, कथा विश्राम की वेला में पहुंच गई, लेकिन देखना ये चाहता हूं कि कथा सुन कौन रहा था। हुंकारी तो बंद नहीं हुई। नजर घुमा करके जैसे पीछे देखा तो तोता सुखदेव जी बैठे हुए कथा सुन रहे थे। और जैसे ही सुखदेव जी को देखा, भगवान काशी विश्वनाथ भोले बाबा आग बबूले हो गए, क्रोध में भर गए और त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े। ठहर जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे महाराज क्यों मार रहे हो, मुझे छोड़ दीजिए, तूने
तूने कथा तो सुनी है लेकिन नियम पूर्वक नहीं सुनी। अरे तुझे कथा सुननी थी तो सामने बैठ करके सुनता, नियम के विपरीत तूने कथा सुनी है। व्यास मंच के पीछे बैठ करके तूने कथा श्रवण की है, तूने कथा नियम का अपराध किया है, इसलिए तुझे दंड दूंगा। रुक, ठहर जा, ठहर जा। उड़ता हुआ वह तोता धीरे 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 बद्रीनाथ पहुंचा। और उधर वेद व्यास जी की जो पत्नी थी विटिका देवी, वह उभासी जैसे उन्होंने ली और सुखदेव जी सूक्ष्म रूप रख करके मातृ गर्भ में प्रवेश कर गए। दौड़ते दौड़ते जैसे ही भगवान भोले बाबा व्यास जी की कुटी कुटिया पर आए और पूछा वेद व्यास जी ने कि महाराज आपका पदार्पण किस लिए हुआ है। तब वेद व्यास जी ने जब प्रश्न किया तो भोले बाबा ने कहा कि मेरा चोर तुम्हारे घर में बैठा हुआ है। बोले कैसा चोर? बोले उसने कथा सुनी है लेकिन चोरी से उसने कथा सुनी है, इसलिए मैं उसको दंड दूंगा। बोले महाराज जो आपका एक पहले चोर था वो मेरा बेटा बन चुका है, इसलिए उसको क्षमा करें और आप जाएं। व्यास जी ने सुंदर भगवान भोले बाबा से प्रार्थना की, प्रसन्न हुए और पुनः अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। धीरे धीरे एक वर्ष दो वर्ष इसी तरह मातृ गर्भ में सुखदेव जी 12 वर्ष रहे। 12 वर्ष तक गर्भ में सुखदेव जी 12 वर्ष तक रहे। एक दिन क्या हुआ, व्यास जी की जो पत्नी है उन्होंने बताया कि मेरे गर्भ में वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। व्यास जी ने बताया कि कोई महान पुरुष होगा। व्यास जी ने कहा है पुत्र आपकी माता श्री बहुत कष्ट में हैं, आप तो मात्र गर्भ में 12 वर्ष रह चुके हैं, अब मातृ गर्भ से बाहर आइए, आपकी माता को बहुत तकलीफ है, कष्ट है। गर्भ से ही बैठे सुखदेव जी ने कहा पिताजी मैं नहीं आने वाला, मैं गर्भ में ही रहूंगा। बोले क्यों? क्योंकि गर्भ में संसार में आया तो मुझे विष्णु की माया जकड़ लेगी, इसलिए मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। अगर जो स्वयं श्री हरि आकर के कह देंगे कि सुखदेव मेरी माया का तुझ पर कोई असर नहीं होगा तो मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। वेद व्यास जी ने भगवान श्री हरि की उपासना की, भगवान प्रकट हुए और कहा अगर आप कह देंगे तभी सुखदेव गर्भ से बाहर आएगा, हे प्रभु आप आदेश दीजिए अपने शिष्य को। भगवान श्री हरि ने सुखदेव जी को कहा हे पुत्र सुखदेव आप मातृ गर्भ से बाहर आइए, मेरी माया का आप पर कोई असर नहीं होगा, मैं आपको ऐसा वरदान देता हूँ। जब नारायण ने स्वतः आकर के सुखदेव जी को यह वरदान दिया उसी क्षण सुखदेव जी अपने मातृ गर्भ से बाहर आ गए और वन जाने लगे। जब छोटा सा नन्हा सा बालक बाहर वन में जाने लगा तो उसके पिता वेद व्यास जी उसके विरह में कातर होकर के हे पुत्र पुकारने लगे, हे पुत्र लौट आओ, हे पुत्र लौट आओ, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा। तब वृक्षों ने उत्तर दिया कि हे वेद व्यास जी जिसको आप अपना पुत्र मान करके बैठे हैं वो आपका पुत्र नहीं, इसका जन्म तो मानव कल्याण के लिए हुआ है, इसको जाने दीजिए। सुखदेव जी पुनः आ गए और बद्रीनाथ धाम पर सरस्वती नदी के तट के किनारे सम्यप्रास आश्रम पर बैठ करके भगवान का स्मरण करने लगे। बैठे बैठे वेद व्यास जी ने ध्यान लगाया और विचार किया कि मैं संसार के लिए जीव के लिए कुछ करूं, तो ध्यान लगाते हुए वेद व्यास जी ने क्या देखा कि जीव इतना व्यस्त है खाने पीने रोने उठने बैठने जागने सोने में इसी में लगा हुआ है, भगवान का भजन ही नहीं कर रहा है। तो वेद व्यास जी ने मन में विचार किया कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मानव समाज का कल्याण हो। तब उन्होंने 4 वेदों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की, 19 उपनिषदों की रचना की, लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ। मन में विचार करने के लिए जीव कैसे सुधरेगा, भगवान को कैसे प्राप्त करेगा, ऐसा मैं कौन सा उपाय करूं
कि जिसको करके यह जीव भगवान को प्राप्त कर ले। ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय नारद जी का पदार्पण हुआ। क्या देख रहे हैं कि नारायण नारायण की धुनि हो रही है। वीणा बजाते हुए नारद जी आज वेदव्यास जी के सामने आए। क्या चिंता है वेदव्यास जी? बोले, मैंने इतना कुछ किया लेकिन जीव को देख रहा हूं अभी भी भटक रहा है। हे नारद जी, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे यह जीव भगवान को प्राप्त कर ले? बोले, आप भागवत की रचना करो। बोले, महाराज मैंने इतना कुछ किया, मेरे करने का सामर्थ्य नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास जी अगर आप संत की कृपा और गुरुदेव की कृपा आप पर हो गई तो आप स्वतः अपने आप ही वह कार्य कर डालेंगे जो मैं कहना चाह रहा। बोले, महाराज कैसे? संतों की कृपा कैसे? तो बोले, मैं एक दासी पुत्र था, मेरे पिता बचपन में ही गुजर गए थे, मेरा नाम रामदास था, मेरी विधवा माँ, मैं बहुत छोटा था, जाकर के दूसरों के यहाँ काम करती थी, जो धन मिलता था उससे अपना पेट और मेरा पेट भरती थी। एक बार उसी गांव में चतुर्मासा करने के लिए कुछ संत आए थे, संतों की शरणागति ली और उस आश्रम पर पहुंची मेरी माँ मुझे लेकर के। संतों से आश्रय लिया, क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकती हूँ? संतों ने कहा, हाँ अपने पुत्र को लेकर के आप कुछ यहीं काम करो और यहीं अपना जीवन व्यतीत करो। चतुर्मासा करने के लिए वो संत जब आए थे, मैं बहुत छोटा था व्यास जी, मैं कुछ कर नहीं पाता था। मेरी माँ उनकी सेवा करती, उस आश्रम में झाड़ू बुहारी लगाती, नदी से जाकर के जल भर करके लाती और दुग्ध दोहन करती, और मैं जाकर के संतों की सेवा किया करता था। सायं बेला में वह संत सत्संग किया करते थे, उस सत्संग में काफी लोग बैठते थे, मैं भी जाकर के उस सत्संग में बैठता था। और मैं छोटा था तो जाकर के सबसे आगे बैठता था। संत प्यार से मुझे रामदास रामदास कहकर के बुलाते थे। कुछ भी काम होता तो कहते थे, रामदास जाकर के ये ले आओ, रामदास जाकर के वो ले आओ, रामदास जाकर के ये लाओ। व्यास जी, संतों से मेरा इतना प्रेम हो गया और संत मुझे इतना स्नेह देने लगे कि मैं संतों के बिना एक क्षण नहीं रह पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार जब चतुर्मास समाप्त हुआ, संतों ने विचार बनाया कि इस स्थान को छोड़ करके हमें कहीं अन्यत्र जाना चाहिए। यह बात मुझे पता चली, मैं रोने लगा। मेरी माँ को पता चला कि संत जा रहे हैं। मैंने माँ से कहा कि मैं भी संतों के साथ जाना चाहता हूं। जब मेरी माँ को ऐसी बात पता चली कि मेरा पुत्र भी संतों के साथ जाना चाहता है, तो रोने लगी और संतों के पास आकर के मेरी माँ ने कहा, हे संत भगवान, पति तो मेरे बहुत पहले ही गुजर गए थे, मेरे बुढ़ापे का सहारा एक मेरा पुत्र है, आप इसको लेकर के मत जाना। अब बेटा कह रहा है संतों से कि मुझे आपके साथ जाना है, माँ कह रही है कि लेकर के मत जाना। संत असमंजस में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए, करें तो करें क्या। तब संतों ने उस बालक को समझाया कि बेटा, तुम यहीं रह करके अपनी माँ की सेवा करो, और जब तुम्हारी माँ गुजर जाए, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करो, जाप करो, और हमारा स्मरण करते हुए, हमारा ध्यान करते हुए इस मंत्र को जब आप जपेंगे, इसका नाम उच्चारण करेंगे, तो आपको वह शक्ति प्राप्त होगी भगवत प्राप्त करने की। किसी तरह उस बच्चे को संतों ने समझाया, लेकिन
उस बालक ने मन में विचार किया कि अगर आज माँ नहीं होती तो मैं संतों के साथ चला जाता, संतों के साथ आज मैं नहीं जा पाया, इसका कारण मेरी माँ है, इसलिए ऐसे माँ की तो मृत्यु हो जानी चाहिए। जब ऐसा सोच लिया, धीरे धीरे समय बीतता गया, ऐसा ही हुआ। उनकी माँ शाम के गोधूली बेला में शाम के समय गौ का दोहन कर दुग्ध दोहन करने के लिए गई, और जब दुग्ध दोहन करने के लिए गई तो एक सर्प के डसने से उनके माँ की मृत्यु हो गई। जब माँ की मृत्यु हुई तो उनका पुत्र जोर जोर से रोने लगा, सोचने लगा कि माँ के प्रति मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन माँ का किसी प्रकार अंतिम संस्कार किया और संतों के बताए हुए मार्ग पर चले। उन्होंने कहा था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना और हमें खोजते हुए हमारे पास आना। व्यास जी, मैंने ऐसा ही किया, संतों के बताए हुए मार्ग पर उस मंत्र का जाप करते हुए एक नदी के तट पर बैठ गया। संतों को तो बहुत खोजा परंतु संत नहीं मिले। संतों की खोज करते करते जब थक गया तो एक नदी के किनारे बैठ गया, भजन करता रहा। और ऐसे भजन में ऐसा सामर्थ कि भजन करते 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 स्वयं श्री हरि प्रकट हो गए और मुझे उस दासी पुत्र से मुझे अपना भक्त नारद बना दिया। और यह देवदत्ताम इमाम वीणाम सर्व ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्च राम्यहम्। मुझे वो वीणा दे दी, आज भी मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण 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 करके भगवान के दिव्य नाम को गाता हूँ। तो ये है संत की कृपा। देवर्षि नारद जी ने जब समझाया, व्यास जी के बात समझ में आ गई और चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, उपदेश दिया। और चतुश्लोकी भागवत का जब ज्ञान दिया, उपदेश दिया, इसी चतुश्लोकी भागवत का बृहद वर्णन किया वेद व्यास जी ने, 18,000 श्लोकों में वर्णन किया, दिव्य संहिता तैयार की, दिव्य ग्रंथ को तैयार किया और अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रवण कराया। सुखदेव जी को जब यह कथा श्रवण कराई, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही कथा श्रवण कराई। इधर सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया, महाराज ये परीक्षित कौन है? और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा कैसे श्रवण कराई यह भी हमें बताएं। और हमने आपसे 6 प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। तब सौनकादि ऋषि सूत जी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि पहला प्रश्न आपने किया था, मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो मानव के लिए परम धर्म है भागवत कथा, भगवान की कथा ही मानव के लिए परम धर्म है और सत्य ही परम धर्म है। जीव जगत में इंसान को सत्य के मार्ग पर चलते हुए भगवान की कथा सुननी चाहिए, यही परम धर्म है। सभी शास्त्रों का सार क्या था? तो सभी शास्त्रों का सार ही श्रीमद् भागवत कथा है। अतः सा धोत्र यत् सारम समुद्रत मनीषयाः। और महाराज भगवान के अवतार कितने हैं? तो बताया भगवान के मुख्य अवतार 24 हैं, जिसमें जो भगवान के मुख्य अवतार हैं वो 2 अवतार हैं, राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है इनके चपल विशेष। राम कृष्ण यही भगवान के 2 मुख्य अवतार हैं। अब बता रहे हैं कि ये परीक्षित कौन है और सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने कथा कैसे श्रवण कराई, सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने किस प्रकार कथा श्रवण की, यह कथा श्रवण करा रहे हैं। तो बताया यह परीक्षित पांडवों के वंशज हैं, पांडवों के वंश में इनका जन्म हुआ था। जब कौरवों और पांडवों का घमासान युद्ध हुआ था,
भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, समस्त कौरव समुदाय मारा जा चुका था। उस वीर भूमि में दुर्योधन असहाय अवस्था में पड़ा था। यदा मृधेन कौरव सृंजयानाम् वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु प्रकोदराविद्धगदा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीम के गदा के द्वारा दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, असहाय अवस्था में पड़ा हुआ था। जब कोई नहीं था उसके पास, उसी समय रात्रि के बेला में अश्वत्थामा उसके पास आया। अश्वत्थामा को देख करके दुर्योधन रोने लगा। मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? रो इसलिए रहा हूं कि हम 100 भाई थे, 100 भाई में से आज एक भाई पड़ा हुआ है असहाय अवस्था में। 100 भाइयों में से कोई भी भाई नहीं रहा और वह 5 पांडव ज्यों का त्यों बने हुए हैं। दुख इस बात का है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारे कर्तव्य को पूरा करूंगा। बताओ क्या करना है? अगर तुम मेरे मित्र हो तो मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी कर दो। बोले, क्या? उन पांडवों के सिर को काट दो, उन पांडवों को समाप्त कर दो। बोले, यह मित्र तुम्हारा कार्य करेगा, तुम चिंता मत करो। विजयश्री प्राप्त थी, इधर पांडव विजयश्री मना रहे थे, सुंदर उत्सव मना रहे थे। उसी समय भगवान द्वारिकाधीश आए और जिस कुटिया पे, जिस शयन कक्ष पे 5 पांडव विश्राम करते थे, द्वारिकाधीश उसी कक्ष पर गए और पांडवों को पकड़ करके ले गए कि आज विजयश्री की रात्रि है, तुम सो रहे हो? बोले, चलो हमारे साथ उत्सव मनाओ। पांडव तो चले गए, पर पांडव के जो 5 पुत्र है वो आकर के लेट गए। विजयश्री की रात में आज उत्सव मनाने लगे, उत्सव में इतना व्यस्त हो गए। इधर प्रतिज्ञा करके वह अश्वत्थामा चला रात्रि के समय वहीं पर उसी शिविर पर और उसी कक्ष में पहुंच गया जहां पर 5 पांडव लेटे हुए थे। अश्वत्थामा सोच रहा है कि जरूर ये 5 पांडव ही हैं, क्योंकि वो 5 पांडव जो पुत्र थे उनके, वो 5 पांडवों के जैसे दिखते थे। रात्रि के समय गया और तलवार निकाली, सोते समय 5 पांडवों के पुत्रों के सिर धड़ से अलग कर दिए, काट दिए और 5ों के सिर लेकर के गया। दुर्योधन ने जैसे देखा, देख करके पहले तो प्रसन्न हुआ और जैसे ही उसने गौर से देखा, अरे ये तो पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं, विलाप करने लगा, रोने लगा। अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? पांडवों से मेरी दुश्मनी थी, पांडव पुत्रों से नहीं। तूने तो वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे अश्वत्थामा, तूने क्या कर दिया? दुखी में इतना, इस दुख में दुखी हो गया। दुर्योधन का दुख करते करते उस दुर्योधन के प्राण निकल गए, क्योंकि उसे ऐसा वरदान था कि जब तुझे दुख और सुख एक साथ होंगे तब तेरे प्राण निकलेंगे। पहले तो सुख हुआ, खुशी हुई कि पांडव मर गए, लेकिन जब पता चला कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, बहुत दुखी हुआ, रोने लगा और रोते रोते अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर भयभीत हो गया अश्वत्थामा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, वो अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, भीम मुझे नहीं छोड़ेगा। भयभीत होकर के यह अपने कुटिया पर चला गया, अपने स्थान पर चला गया। इधर जैसे ही प्रातः हुआ, सवेरा हुआ, द्रौपदी अपने पुत्रों के पास पहुंची कि आज बहुत देर हो गई, मेरे पुत्र जगे नहीं। अरे रोज तो प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे, लेकिन आज तो मेरे पुत्र आए नहीं, कहाँ हैं? जैसे उस कक्ष में पहुंची तो क्या देखा कि सैया खून से, रक्त से लथपथ पड़ी हुई है। चिंगार मार करके रोने लगी
और जाकर के जैसे ही देखा द्रौपदी ने तो रोने लगी और भगवान श्री हरि को पुकारने लगी, द्वारिका नाथ को पुकारने लगी। और जैसे ही द्वारिका नाथ ने देखा कि ये द्रौपदी क्यों रो रही है, देखा कि उस कक्ष में पांडव के पुत्र मरे पड़े हुए हैं। भीम ने क्रोध में भर करके प्रतिज्ञा कर ली कि और कोई नहीं ऐसा कार्य कर सकता है, अगर कार्य कर सकता है तो कौन, वह अश्वत्थामा कर सकता है। रथ तैयार किया, भगवान द्वारिका नाथ रथ पर विराजमान हो गए, अर्जुन भी विराजमान हो गए और जाकर के उस अश्वत्थामा की ओर रथ को बढ़ाया। और जैसे ही अश्वत्थामा के पास पहुंचे, अश्वत्थामा ने भयभीत होकर के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन भयभीत होकर के भगवान के चरणों में गिर गए। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। तब द्वारिका नाथ ने कहा कि तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए। और अंत में अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़ लिए, घसीटते हुए द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। ये है तुम्हारे पुत्रों को अपराधी, बताओ उसके साथ क्या करना चाहिए। द्रौपदी ने कह दिया, मुंचताम मुंचताम में स ब्राह्मणो नितराम गुरु हो। अरे यह तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण पुत्र है, इसको छोड़ दीजिए। अरे मेरे पुत्र तो मर चुके हैं, इसके मरने से मेरे पुत्र नहीं आएंगे। आप किसी ब्राह्मण को दंड मत दो, क्योंकि ये ब्रह्म है, ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों को मारने के बाद ब्रह्म हत्या लगती है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, अब इसको मारिए मत। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधारण मै भो भय माम नातम परिपाही अनुशासनम। भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गए, अर्जुन ने पूछा क्या करना चाहिए। द्वारिकाधीश ने कहा, मार भी दो और छोड़ भी दो। बोले ये कैसी बात हुई। बोले मारना और छोड़ने की बात यह होती है कि जो ब्राह्मण होता है, सम्माननीय जो पुरुष होते हैं, अगर उनका अपमान कर दिया जाए वही मरने तुल्य है। अरे अपमान कर देंगे तो जब जब जिएगा तब तब उस अपमान को याद करके यह तड़पेगा, मार देंगे तो मर ही जाएगा। इसका अपमान करो, तिरस्कार करो, उसी समय उसकी दाढ़ी और मूछ मुड़वा दी, चेहरे पर काली पोत दी, सिर मुंडवा दिया और धक्के मार करके निकाल दिया, और माथे पे जो मड़ी थी उस मड़ी को भी छीन लिया। दर दर भटकता हुआ अश्वत्थामा घूम रहा था। इधर आकर के अश्वत्थामा सोचने लगा कि अब उसके वंश में और कौन बचा है, शुक्रगुजार होना चाहिए अश्वत्थामा को कि पांडवों ने मुझे जीवित छोड़ दिया, लेकिन अभी भी वो नहीं मान रहा, अभी कौन बचा है। तो स्मरण आया कि जब युद्ध चल रहा था तो अभिमन्यु की पत्नी जो थी उत्तरा, वो गर्भवती थी, उसको गर्भ के उसके गर्भ को ही समाप्त कर दूंगा तो पांडव वंश ही समाप्त हो जाएगा। बैठे बैठे ही उसने ब्रह्मास्त्र चढ़ा दिया। उत्तरा को आभास हुआ कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मुझे जला करके भस्म कर देगा, मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। तो भगवान की शरण में गई और पुकारते हुए भगवान को पुकारने लगी, क्या पाहि पाहि महायोगिन दैव दैव जगतपते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परा। मेरी रक्षा करो, पाहि माम द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। और जैसे ही करुण क्रंदन करते हुए उत्तरा को देखा, बेटी क्या बात है, अरे यह ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा, मुझे अपनी चिंता नहीं, पर यह मेरा जो गर्भ है अगर यह नष्ट हो गया तो पांडव वंश ही नष्ट हो जाएगा, मेरे गर्भ को बचाइए। उसी समय भगवान श्री हरि एक रूप से अंगुष्ठ मात्र रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। गदा को इतने जोर से घुमाया
कि वो चक्र रूप में परिणत हो गई और वह ब्रह्मास्त्र अपने आप आकर के शांत होकर के पुनः वो शांत हो गया। और बाहर खड़े हुए भगवान द्वारिकानाथ उत्तरा से पूछ रहे कि पुत्री अब कैसा आभास हो रहा है। तब उत्तरा ने मुस्कुरा करके कहा, प्रभु अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, अब मैं अपने गर्भ को बचा सकती हूँ, अब मुझे लगता है कि मेरा गर्भ सुरक्षित है। भगवान जब ऐसी रक्षा उत्तरा की कर ही रहे थे कि माता कुंती ने भगवान को देख लिया और टेढ़ी नजर से माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, वाह कन्हैया, हर क्षण हर पल तूने मेरी रक्षा की। परीक्षित के गर्भ में उस शिशु की रक्षा की और रक्षा करके भगवान द्वारिकानाथ कहने लगे कि मुझे बहुत दिन हो गए आए हुए, मैं द्वारिका जाना चाहता हूं। लेकिन उसी समय क्या देखा कि युधिष्ठिर जी खिन्न मना बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर जी को बुलाया, सभी को बुलाया, बोले आज मैं द्वारिका जाना चाहता हूं। माता कुंती ने जब देखा तो भगवान की स्तुति करने लगी कि आपने हर पल मेरी रक्षा की, मेरे पुत्रों की रक्षा की, आप तो मेरे लिए भगवान हैं और वास्तविकता भगवान हैं। द्वारिकानाथ ने कहा, मैं भगवान नहीं, मैं तो आपका भतीजा हूं। अगर बुआ मुझे तुम भगवान मानती हो तो वरदान मांगो। बुआ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो दुख चाहिए। बोले बुआ, जीवन में तुमने इतने दुख सहे हैं लेकिन फिर भी आज सुख की घड़ी आई, कुछ मांगने की घड़ी आई आज, तो फिर दुख मांग रही हो। बोले हाँ। अरे केशव, अगर यह दुख नहीं होता तो सुख कहाँ से होता, अगर ये दुख नहीं होता तो मेरे सामने तुम कहाँ से होते। जहाँ सुख होता है वहाँ भगवान नहीं होते, जहाँ दुख होता है तो वहाँ गोविंद रहता है। क्योंकि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न को। हे प्रभु, जब जीवन में दुख आता है तो भगवान की शरण में सब जाते हैं और कहते हैं, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। लेकिन जीवन में जब सुख आता है तो जीव भूल जाता है। तो कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुख दे दो। आशीर्वाद प्रदान किया, सुंदर स्तुति की माता कुंती ने। विपदः सन्तु नहासस्व तत्र तत्र जगत गुरुर भवतो दर्शनं यस्य अपुनर्भव दर्शनं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्षं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं माया जवनिका छन्नं मज्ञाधो क्षजमव्ययम् नालक्षसे मूढत्रसा नटो नटधरो यथा। हे प्रभु, पत्थरों की बस्ती में दिल सजाए बैठे हैं, पत्थरों की बस्ती में दिल सजाए बैठे हैं, अरे एक नजर तो डाल, यहां घर जलाए बैठे हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि जब दुख आता है तब आप सामने होते हो, इसलिए मुझे आप दुख ही दीजिए। भगवान ने सबसे कहा, पांडवों से कहा तुम मांगो, भीम से कहा भीम दादा तुम भी कुछ मांगो। बोले प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। नकुल सहदेव को कहा तुम भी कुछ मांग लो। बोले हमें भी कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। अर्जुन से कहा तुम भी कुछ मांग लो। हे प्रभु, ये जो आपका और मेरा संबंध है भक्त और भगवान का, यही बना रहे,
हर जन्म में आप मुझे गीता जैसा उपदेश देते रहे, मुझे और यही चाहिए, और क्या चाहिए। द्रौपदी से कहा, तुम भी कुछ मांगो। द्रौपदी ने कहा, हे ठाकुर, हे केशव, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे सखा हैं, मैं आपकी सखी हूँ, आपका और मेरा यही भाव बना रहे, यही संबंध बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। युधिष्ठिर जी से कहा, आप भी कुछ मांगिए। हे प्रभु, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो एक ही वरदान दीजिए कि धर्म के मार्ग पर इसी प्रकार चलता रहूं। सबको वरदान दिया और केत क्या देखा कि आज युधिष्ठिर जी आज खिन्न बना बैठे हुए हैं। क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं? बहुत उपदेश दिया पर उपदेश ग्रहण नहीं किया। समझ गए कि मुझसे उपदेश ग्रहण नहीं करेंगे, हमें पितामह भीष्म के पास चलना चाहिए। आज धर्मराज युधिष्ठिर को लेकर के, पांडवों को लेकर के, आज भगवान श्री हरि पितामह भीष्म के पास गए, जो बाण सैया पर पड़े हुए हैं, रक्त धीरे धीरे करके निकल चुका है। आहा, एक ही याद है कि हे गोविंद, हे ठाकुर, आकर के मुझे आप दर्शन दें। हे प्रभु, आप मुझे आकर के दर्शन दे। और जब भाव चल ही रहा था, ठाकुर जी के दिव्य छटा का दर्शन कर ही रहे थे पितामह भीष्म नेत्र बंद करके, और जैसे नेत्र को खोला वैसे क्या देखा, मंद मंद मुस्कुराते हुए कन्हैया सामने खड़े हुए हैं। आप कौन? मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके पौत्रों को लेकर के आया हूं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। पितामह भीष्म ने जब सुंदर झांकी का दर्शन किया, मुग्ध हो गए। बाबा, अपने पौत्रों को कुछ उपदेश दीजिए। पितामह भीष्म ने अर्जुन को सुंदर उपदेश दिया कि पुत्र, धर्म के मार्ग पर चलो, किसी का अन्याय मत करना, किसी का बुरा मत करना, धर्म के मार्ग चलते रहो। आपके शरण में अपराधी भी आ जाए तो उसको भी क्षमा कर देना, और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। सुंदर उपदेश दिया। पांडवों, सभी पांडवों ने कुछ ना कुछ पूछा। अंत में पितामह भीष्म ने कहा कि अब मुझसे कुछ, कोई भी कुछ नहीं पूछेगा, कोई प्रश्न नहीं करेंगे, अब तो मैं श्री हरि से प्रार्थना करना चाहता हूँ, द्वारिकाधीश के दर्शन करके अपने इन जीवन को, अपने इस शरीर को, अपने प्राणों को छोड़ना चाहता हूँ। उस बाण सैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म आज भगवान श्री हरि को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण सुंदर मुरली लिए हुए और सुंदर सुंदर सी मुस्कान अलगा वाली टेढ़ी है, अपने सुंदर तिरछी चितवन से पितामह भीष्म को देख रहे हैं। पितामह भीष्म ही भगवान श्री हरि को देख करके प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना
गंगाजी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो, गंगाजी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो, गंगाजी का तट हो, यमुना श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख चरण जल हो, श्री विष्णु चरण जल हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना केसर तिलक हो आला, मुख चंद्र सा उजाला, केसर तिलक हो आला, मुख चंद्र सा उजाला, केसर तिलक हो आला, मुख चंद्र सा उजाला, गले में माला डालूं
सब प्राण तन से निकले इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। ऐसे नहीं, आप सभी ताली सेवा करेंगे, सभी लोग हाथ उठाएं। Thank you.
मस्ती से, क्योंकि आप कथा सुन रहे हैं और भगवान के दिव्य भजनों में ये मीठी मीठी तालियां चलती रहनी चाहिए। तो किसी भक्त ने बहुत सुंदर भाव दिया है, क्या उस बांसुरी वाले की लीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है बाबा के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में। शर्म लग रही है क्या? सभी लोग उठाएं, सभी लोग श्री राम मतलब की मस्तानी, देखी दुनिया दीवानी मतलब की मस्तानी, देखी दुनिया दीवानी बे मतलब की मस्तानी, देखी दुनिया दीवानी बे मतलब की मस्तानी, बिन मतलब रुकना मोड़े यहाँ नित नित नई कहानी, बिन मतलब रुकना मोड़े कहानी, बिन मतलब रुकना मोड़े यह नित नित नई कहानी, बिन मतलब रुकना मोड़े यह नित नित नई कहानी, किस किस को छोड़ू ताना, किस किस को छोड़ू ताना, किस किस को अपनाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा दिल करता है सबके भजनों में खो जाऊं। पहलू जीवन के बस वहम है ये बस मन के, सुख दुख पहलू जीवन के बस वहम है ये बस मन के, सुख दुख पहलू जीवन के बस वहम है ये बस मन के, सुख दुख पहलू जीवन के बस वहम है ये बस मन के, कोई हंस हंस के सहता है कोई सहता है तन तन के, कोई हंस हंस के सहता है कोई सहता है तन तन के, कोई हंस हंस के सहता
अब चाहे जग ये छूटे ये तार कभी ना टूटे, अब चाहे जग ये छूटे ये तार कभी ना टूटे, बस इतनी कृपा, बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो, मैं तेरा हो जाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। हरि बोल, भगवान श्री कृष्ण की सुंदर स्तुति की और स्तुति करते 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 द्वादशी के बेला में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पितामह भीष्म ने अपने प्राण ज्योति ने उछावर की और सुंदर पांडवों ने पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार किया। इधर भगवान सबसे आज्ञा लेकर के द्वारिका चले गए। कुछ दिन बाद पता चला कि उत्तरा जो गर्भवती थी उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। उस पुत्र को बधाई देने के लिए, पांडवों को बधाई देने के लिए भगवान द्वारिकानाथ आज द्वारिका से पुनः हस्तिनापुर आए और उस पुत्र को देख करके उसका नाम रखा परीक्षित विष्णुरात, क्योंकि विष्णु के द्वारा उसकी रक्षा हुई इसलिए एक नाम उसका पड़ा विष्णुरात। और वह बालक उसको देखना चाहता था जिसने उसको गर्भ में उसकी रक्षा की है, इसलिए परितः इच्छति, इच्छा थी देखने की, इसलिए भगवान श्री द्वारिकानाथ ने उस बालक का एक नाम रखा परीक्षित। सुंदर सबको बधाई दी, भगवान पुनः द्वारिका गए। द्वारिका में इस बार अर्जुन भी साथ में गए। धीरे 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 समय आया, भगवान अपनी लीला का स्मरण करके, अपनी लीला को समेट करके, धराधाम को छोड़ करके पुनः वैकुंठ गए। अर्जुन आए, आतातुर होकर के पांडवों को बताया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारिकानाथ गए, पता चला कि भगवान श्री द्वारिकानाथ हम सबको छोड़ करके
वैकुंठ चले गए हैं। रोते हुए सभी पांडवों ने उसी समय जब माता कुंती को पता चला अपने प्राणों को समाप्त कर दिया और भगवान के चरणों में विलीन हो गईं। पांडवों को पता चला तो अपने पुत्र राजा परीक्षित को राज्याभिषिक्त किया, कुछ धर्म की बातें बताई और समस्त आभूषणों का त्याग करके, वस्त्रों का त्याग करके, राजपाट का त्याग करके पांचों पांडव द्रौपदी के सहित बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड हिमालय पर्वत की ओर गए। एक एक करके सबने अपने शरीर को त्याग दिया और एक कुछ क्षण के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक की यात्रा करनी पड़ी और सह शरीर युधिष्ठिर जी धर्मरूप युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए। इधर राजा परीक्षित सुंदर राज्य कर रहे थे। एक दिन मन में विचार हुआ, इनकी एक पत्नी थी, इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था जनमेजय। धीरे धीरे समय आया, मन में विचार किया आप मेरा राज्य कहाँ तक है, मुझे देखने के लिए जाना चाहिए, अपनी सीमा कहाँ तक है, सीमा की सुरक्षा करने के लिए, देख रेख करने के लिए। राजा परीक्षित रथ पर आरूढ़ हुए और जो दुशासन का एक मुकुट रखा था उस मुकुट को धारण किया, जरासंध का मुकुट धारण करके उस रथ पर विराजमान होकर के सुदूर प्रांत पर गए। जब सुदूर प्रांत पर गए तो वहां क्या देखा कि एक एक पैर से खड़ा हुआ बैल, तीन पैर उसके, तीन चरण कट चुके और एक सामने गाय खड़ी हुई, दोनों रो करके आपस में बातचीत वार्ता कर रहे हैं। यह सब दृश्य राजा परीक्षित देख रहे थे। देखते देखते उसी समय क्या देखा कि काला काला सा लंबा लंबा पुरुष तलवार लेकर के उस बैल के चौथे चरण को भी काटना चाहता था। ये बैल कौन है? यह धर्म है। धर्म के चार चरण होते हैं, सत्य दान दया धर्म। एक चरण पर टिका हुआ था और यह कलयुग आकर के उस चौथे चरण को भी समाप्त करना चाहता था। जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा, खबरदार तुम कौन हो, ऐसा कार्य करते हो, मेरे राज्य में ऐसा अपराध, मैं तुम्हें दंड दूंगा। और जब देखा कि राजा परीक्षित ने मुझे देख लिया ऐसा कार्य करने पर, तलवार फेंक करके दीनहीन होकर के कलयुग शरण में गिर गया, क्षमा प्रार्थना करने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हुआ है। राजा परीक्षित ने कहा, तुमने मेरे राज्य में गलत कार्य किया, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपराध दंड दूंगा तुम्हें। मैं प्रार्थना की, पिछली बातों को याद किया कि मेरे पिताजी ने मुझे समझाया था कि शरण पे दुश्मन से दुश्मन भी आ जाए, कोई भी कितना भी अपराधी आ जाए, अगर वो तुम्हारे शरण पर आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। क्षमा कर दिया। बोले ठीक है, लेकिन निकल जाओ मेरे राज्य से, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। बोले महाराज कहाँ जाऊं, सर्वत्र सृष्टि पर तो आपका राज्य है, सर्वत्र सृष्टि पर तो आपका राज्य है, कहाँ जाऊंगा मैं। बोले मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। मांगने पर कुछ स्थान दिए। बोले तुम में ऐसा कौन सा गुण है कि तुम स्थान मांग रहे हो? अरे तुम में कुछ गुण होगा, कुछ अच्छा गुण होगा तो मैं तुम्हें स्थान दूंगा, परंतु गुण तो बताओ तुम्हारे अंदर क्या गुण है। बोले महाराज अवगुणों की तो खान हूं मैं, अगर आपको स्थान देना है तो दे दीजिए। तो जब बार बार याचना कर ही रहा था कलयुग, तब कुछ स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रास धर्म चतुर्विधा, ये चार स्थान दे दिए। कौन कौन से स्थान है? द्यूतम जुआ, जहां जुआ होता है वहां कपट के रूप में कलयुग रहता है, कपट के रूप में कलयुग रहता है। पानम मदिरा, मदिरालय में नशा के रूप में, उस मदिरा में नशा के रूप में कलयुग रहता है। स्त्रिया सुना, काम के रूप में कलयुग काम में वास करता है। और हिंसा, जीव में हिंसा के रूप में कलयुग वास करता है। ये चार स्थान दिए। लेकिन महाराज ने परीक्षित से
कलयुग ने कहा महाराज जितने भी आपने स्थान दिए वो सब बेकार है। क्यों? क्योंकि सब में कचरा भरा हुआ है। अरे भैया कोई ऐसा स्थान दीजिए जो एयर कंडीशन हो, बढ़िया वीआईपी सोफा लगे हो, बेड लगा हो, एसी भी लगी हो, अच्छा स्थान दीजिए। कलयुग ने जब ऐसी मांग की तो राजा परीक्षित ने कहा कि तुम में गुण क्या है, गुण देख करके भी तो कुछ दिया जाता है, जैसे तुम में गुण थे वैसे मैंने तुमको स्थान दिया। बोले तुम में गुण कौन सा, अगर अच्छा गुण होगा तो अच्छा स्थान मिलेगा। बोले महाराज मैं तो अवगुणों की खान हूं लेकिन मुझ में एक गुण बहुत अच्छा है। बोले क्या? जो द्वापर त्रेता सतयुग द्वापर त्रेता लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्ष हजारों हजारों वर्ष तक लोग तपस्या करते थे, भगवान नहीं मिलते थे, कलयुग में अगर मेरे इस युग में कोई भाव से प्रेम से एक क्षण भी भगवान का नाम लेता है वह मुक्त हो जाता है। यही गुण है क्या? कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम, कलयुग के कलयुग के बल नाम अधारा, कलयुग के बल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर यत फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत फलम लभते सम्यक् कलौके समकीर्तिना। सुमिर सुमिर नर उतर हि पारा, सुमिर सुमिर नर उतर हि पारा, उतर हि पारा, उतर हि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पा रहा। इस कलयुग में जो भी प्रेम से भाव से भगवान का नाम लेगा वो भाव से पार हो जाएगा। खुश हो गए राजा परीक्षित, बोले तो जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा, सोने में तुम्हारा कलयुग का वास होता है। और जैसे ही यह वरदान दिया, यह स्थान दिया, सूक्ष्म रूप कलयुग ने बनाया और राजा परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था प्रवेश कर गया, बैठ गया माथे पे। किसी ने पूछा महाराज सोने में वास, सोने में तो नारायण वास करते हैं क्योंकि हिरण्यगर्भ कहा गया है उनको, तो बताया ईमानदारी का जो कमाया धन है सोना है उसमें भगवान वास करते हैं, चोरी से बेईमानी से कमाया हुआ जो धन है सोना है उसमें कलयुग वास करता था। और कलयुग वास करता है क्योंकि राजा परीक्षित के जो मस्तिष्क पे मुकुट था वो जरासंध का था, जरासंध अपराधी था। जैसे ही कलयुग मस्तिष्क पर बैठा बुद्धि बिगड़ गई, कौशिक ऋषि की कुटिया पर पहुंचे, उनका अपमान किया, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, चले गए। जब मुकुट घर में उतारा, राज्य पर उतारा, तब पता चला कि मैंने किसी संत का अपराध किया था, अपमान किया है। इधर उनके पुत्र ऋषि श्रृंगी ऋषि को जब पता चला, श्रृंगी ऋषि क्रोध में भर गए, राजा परीक्षित ने मेरे पिता का ऐसा अपमान किया है, मैं भी उनको दंड दूंगा। और कौशिकी नदी पे खड़े होकर के श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और श्राप दिया कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसी राजा परीक्षित को आज से 7 दिन बाद एक सर्प के काटने से उस परीक्षित की मृत्यु हो जाए, ऐसा श्राप दिया। श्राप का परिमार्जन करके पिताजी के पास गए, पिताजी को पता चला अरे तुमने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, वो तो बहुत अच्छे राजा हैं। अपने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, गौरमुख ने जाकर के राजा परीक्षित को बताया कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है, आप अपने में मुक्ति का उपाय ढूंढ लीजिए। जैसे पता चला अपने पुत्र जन्मेजय को राजा परीक्षित ने राज्य का अधिकारी बनाया, राजा बनाया और वस्त्र उतार करके तपसियों का भेष बना करके गंगा जी के तट के किनारे बैठ गए। और जब ऋषियों को पता चला, महात्माओं को तो पता चला, ब्राह्मणों को पता चला,
सब दूर दूर से आए कि चलो राजा परीक्षित को हम श्राप से मुक्त करें, कोई ऐसा उपाय करें, परंतु किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं था जो राजा परीक्षित को श्राप से मुक्त कर सके। सप्तदिवसीय श्रापित बैठे राजा परीक्षित चिंतातुर बैठे हुए, उसी समय क्या देखा, भगवान के परम भक्त श्री सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं। और जैसे ही उस स्थान पर पधारा, जय घोष होने लगी, जय हो जय हो जय हो, बोले सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी जैसे आए, सबने देखा राजा परीक्षित अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी महाराज पधारे, बड़े बड़े केश हैं, अंग कांति नीली है, सांवला वर्ण है सुखदेव जी महाराज का कमंडल लेकर के, और आसन पर विराजमान हो गए। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज का सुंदर अर्चन वंदन पूजन किया, और राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया सुखदेव जी से, क्या, हे प्रभु 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। जब ऐसे प्रश्न को सुना, श्री सुखदेव जी महाराज मुक्त हो गए। मुख्य यजमान आकर के सुखदेव जी भगवान का पूजन करें, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित ने सुंदर प्रश्न किया कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी महाराज मुक्त हो गए, और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा कि आज जो परीक्षित जी तुमने जो प्रश्न किया है इसका उत्तर हम कल देंगे, आज पूजन हो जाएगा, और बोले आज रात्रि में सत्संग होगा और सुबह हम प्रश्न का उत्तर देंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विश्राम करेंगे, कल की कथा में आप ध्रुव चरित्र और मुख्य रूप से प्रह्लाद चरित्र की कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए एक सुंदर भाव, इसके बाद फिर आरती करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मस्ती में थोड़ा झूमेंगे, फिर इसके बाद आरती करेंगे। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे श्यामा प्यारे के चरण प्यारे प्यारे, मुझे और जगत से क्या लेना। करेंगी नैया चरणों से प्रीत लगा ले।
Jai
मुख्य यजमान आरती के लिए आ जाएंगे ऊपर। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय। ओम ज्वालावालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। तेरे द्वार करते हैं पुकार,
तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझे धारम शीतले कर्णम पुष्पै देवाधिवंदनम हरि ओम जगनेन यज्ञमय जंत देवा स्थानि धर्मानि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचंद्र यत्र पूर्वे साध्यः संति देवः हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् श्रीवंत काम कुल चंबक पाटल जय पुण्य गजाधिकर वीरल साल पुष्पै विलव प्रवाल तुलसी धन मंजिरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर शांगायुष परिवाराय सशक्तिकाय मंडल मंडल सहिताय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए बांके बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय सतगुरुदेव भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या ओम नमः पार्वती पतये हर।